हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सुपर फास्ट कैलकुलेशन सीरीज़। आई एम अंकुर शर्मा विद यू फ्रॉम द सिलेक्शन मेंटर। अभी देखते हैं टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक हम लोगों ने बनाई थी इससे पहले, आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको वीडियो को देखा। अभी उसके अगला वीडियो थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में। उसको आसान करने के लिए टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड था उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम लोग, और वो बन जाएगा आपका थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान है। देखिए, उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। एग्जांपल लेते हैं 321 522, कुछ भी एक्स वाई जेड। अभी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था टू डिजिट में कि जब भी हम स्ट्रेट ऑपरेशन करते हैं, यानी टू डिजिट होती है तो हम लोग स्ट्रेट ऑपरेशन करते हैं। स्ट्रेट ऑपरेशन का मतलब है इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर थ्री लिखा है यहाँ पे, यहाँ टू लिखा है तो थ्री टू ज़ा सिक्स हो जाता है, राइट। अभी अगर यहाँ पे चार डिजिट लिखी हुई है ऐसे करके, तो इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। ये हो गया फोर डिजिट का ऑपरेशन। बट यहाँ पर डिजिट्स बढ़ती जा रही हैं, आपके थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, यानी स्टेप्स भी आपके ज़्यादा होंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक बार समझना है, स्टेप्स पूरे आपको समझ में आ जाएंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड से आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हो, आप लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने जा रहे हो, सबसे पहला स्टेप होगा आपका कि इन दो डिजिट को कवर करोगे। सो दिस विल बिकम योर फर्स्ट स्टेप एंड दिस विल बी टू डिजिट ऑपरेशन। स्ट्रेट ऑपरेशन हो गया, टू डिजिट ऑपरेशन हो गया, राइट, कि टू वन ज़ा टू। आगे बढ़ेंगे, जब मैंने एरो लगा रखा है हम और आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जाएगा इन चार डिजिट ऑपरेशन में जाएगा, राइट। हम कैसे जाएंगे? चार डिजिट ऑपरेशन में। उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे, अभी दो स्टेप पूरे हो गए, तीसरा स्टेप होगा ये छह डिजिट ऑपरेशन हो जाएगा हमारा। तीसरा स्टेप होगा हमारा छह डिजिट ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर चार डिजिट ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो ये बचेगा लास्ट टू डिजिट ऑपरेशन। यानी टोटल आपके पांच स्टेप होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहला स्टेप होगा आपका टू डिजिट ऑपरेशन, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फोर डिजिट ऑपरेशन, फिर जब और आगे बढ़ेंगे तो छह डिजिट ऑपरेशन, और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये चार डिजिट, उसके बाद ये दो डिजिट। अभी जो बीच में छह डिजिट, देखिए दो डिजिट का मैंने आपको समझाया, चार डिजिट का मैंने आपको समझाया, पर छह डिजिट वाले में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो यानी कि यहाँ जब आपके छह डिजिट होंगे तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। बाहर वालों की बाहर वाले से मल्टीप्लाई ऐसे करके, और बीच वाले सीधे मल्टीप्लाई। एक बार फिर बताता हूँ, इस वाले की इस वाले से, इस वाले की इस वाले से, और बीच वाले की बीच वाले से करके इन तीनों रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे। तीनों कौन कौन से? एक तो ये हो गया जो आएगा मल्टीप्लाई करके, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीनों को ऐड करेंगे और एक डिजिट बन जाएगी, वही आपका आंसर होगा। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल है 213 की मल्टीप्लाई 324 से करनी है। नॉर्मली अगर आप करने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा, पर यहाँ पे क्या स्टेप है समझ लीजिए एक बार। अगर समझ में आ गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। स्टेप नंबर वन ये है, स्टेप नंबर टू ये है, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर फोर, और ये आपका लास्ट स्टेप, पांचवा स्टेप। देखिए कैसे, आपके सामने ये लिखा हुआ है यहाँ पर तीन डिजिट। सबसे पहले आपने दो डिजिट में ऑपरेशन किया, उसके बाद इन चारों डिजिट में ऑपरेशन करोगे। यहाँ मैंने शो कर रखा है, देखिए चारों डिजिट में। उसके बाद इन छह डिजिट में ऑपरेशन करोगे, उसके बाद लास्ट की चार डिजिट में ऑपरेशन करोगे, उसके बाद लास्ट में दो डिजिट में ऑपरेशन करोगे, और आपके पांच स्टेप कंप्लीट। देखिए मैंने कितने आराम से आपको समझाया। एक बार हम प्रैक्टिकल तौर पे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यानी कि सबसे पहला स्टेप ये वाला जो है, लास्ट की यानी कि दो डिजिट में ऑपरेशन कर लेते हैं। पहले क्या आ गया? 3 4 12 3 4 12, वन कैरी। कितना? 3 4 12, वन कैरी, ठीक है। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा आपका, ये फोर डिजिट में ऑपरेशन करना है। फोर डिजिट में ऑपरेशन कैसे करते हैं वो आपको मैंने पीछे भी बताया था, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, बस इतना ही करना है। फोर वन ज़ा फोर और थ्री टू ज़ा सिक्स, सो सिक्स एंड फोर टेन, और वन कैरी था तो यहाँ पे 11 हो गया, यानी कि वन और वन फिर से कैरी आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो छः डिजिट में ऑपरेशन करना है। तो जब छः डिजिट में ऑपरेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि बाहर वालों की बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दी हमने, यहाँ पे देखिए क्रॉस दिखाई दे रहा हो आपको एरो, और बीच वाले की बीच वाले से कर दी और तीनों को ऐड कर दिया। एक बार यहाँ करके देखते हैं, देखिए ध्यान से, इस फोर की बाहर वालों की बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि फोर टू ज़ा एट एंड थ्री थ्री ज़ा नाइन,
दिमाग में मल्टीप्लाई करनी है। देखिए 9 को 8 से ऐड करना बड़ा आसान है, 17 हो गया और 2 वन ज़ा 2, 17 एंड 2 19, और यहाँ पे 1 आपका कैरी आ गया, 19 एंड 1 20, तो यहाँ पे 0 आ गया 20 का। अब कितना कैरी बचा, 2। तीन स्टेप कंप्लीट हो गए ना। अब उसके बाद चौथा स्टेप इधर वाले दो चार डिजिट का ऑपरेशन है ना, चार डिजिट का ऑपरेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 एंड 3 7, और कैरी था 2, तो यहाँ पे 9 आ गया। उसके बाद लास्ट स्टेप, समझ में आ रहा है पांच स्टेप कौन से हैं? सो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। आप कहेंगे ये तो बड़ा लेंदी सा लग रहा है, अगर आपने आराम से समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो बहुत चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अगर यहाँ तक आपको जरा सी भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से रिवाइंड कीजिए, इतना हम अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए जिस भी क्वेश्चन में जीरो आ जाएगा तो यानी कि वो बड़ा आसान कर देगा क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे जितने भी यहाँ सपोज जीरो आ गया यहाँ पे आपका, जैसे इस क्वेश्चन में जीरो आ गया तो जीरो से जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई होगा वो उसे जीरो बना देगा। देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, सबसे पहले इन दोनों को कर दे 7 1 ज़ा 7, उसके बाद 4 डिजिट 7 3 ज़ा 21, यहाँ तो करने की जरूरत ही नहीं है, 21 का 1 लिखा फिर 2 कैरी, उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 7 4 ज़ा 28 है ना, 7 4 ज़ा 28 और 30 35, 5 कैरी, अभी 3 कैरी 5 लिख दिया 3 कैरी, उसके बाद ये लास्ट डिजिट ऑपरेशन 0 से तो कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 8 आ गया 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 21। देखिए कितनी जल्दी से आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो बड़े आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, मेरा बताने का मतलब है कि सबसे पहले 2 डिजिट ऑपरेशन, फिर 4 डिजिट ऑपरेशन, फिर 6 डिजिट ऑपरेशन, और फिर लास्ट के 4 डिजिट, और फिर लास्ट के 2 डिजिट, समझ में आया, ठीक है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सबसे पहले 2 डिजिट ऑपरेशन, फिर 4 डिजिट ऑपरेशन, फिर 6 डिजिट ऑपरेशन, फिर 4 डिजिट ऑपरेशन, फिर 4 डिजिट ऑपरेशन, ठीक है। मतलब कहने का है कि पहले यहाँ पे 2 डिजिट ऑपरेशन करेंगे, फिर 4 डिजिट ऑपरेशन करेंगे, फिर 6 डिजिट ऑपरेशन करेंगे, फिर 4 डिजिट, और फिर 2 डिजिट। अगर मैं इसका एक फॉर्मूला जनरेट करूँ आपके सामने तो इस तरीके से आएगा, पहले स्ट्रेट 2 के लिए, फिर क्रॉस, फिर स्टार, फिर क्रॉस, फिर स्टार, समझ में आ रहा है। पहले स्ट्रेट, फिर क्रॉस, फिर स्टार, फिर क्रॉस, फिर स्ट्रेट, यानी कि पहले 2 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 6 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 2 डिजिट। आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखिए जितने कमेंट आएंगे इस वीडियो में, मुझे पता लगेगा कि उतने ही लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है, वीडियो को पूरा समझा है, एंड आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से मेथड समझ में आ गया होगा। इसके बाद सुपर फास्ट जो कैलकुलेशन हमारी सीरीज चल रही है उसमें अगला पार्ट कुछ और बेहतरीन से छोटे छोटे ट्रिक्स लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, आप मुझे आंसर इस टाइप से देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, ठीक है। सो दिस विल बी रियली वेरी गुड फ्रॉम योर साइड इफ़ यू विल गिव द आंसर, सो ऑल दीज 2 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट आपकी वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुँच जाए, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।